बैठा हूँ उसको उसको डिग्निटी, वो प्राइड, वो इज्जत और वो पक्का गाना, वो हमेशा उसे प्यार रहता था और वो उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रह करके तो उसने काम किया। उसमें तकलीफें हैं, मशक्कतें हैं, अभी तो बहुत से जो घरानों के बच्चे हैं फिर उन्होंने इसीलिए कोई मॉडर्न गाना भी गाना शुरू किया है, कोई पॉप शॉप रॉक भी गाते हैं और क्यों ना गाएं कि जब ये जो एक सैकड़ों साल का वर्षा है खानदानों का, उसकी जो समाज में कदर होनी चाहिए थी वो नहीं है। ये उस ज़माने में बड़ी बड़े गुलाम अली खान साहब को अंदाज़ा हो गया कि ये सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी है। यहाँ से थोड़े अरसे में वापस चले गए, कुरतुलैन हैदर यहाँ से पाकिस्तान से वापस चली गई, हालांकि नया नया पाकिस्तान था। और रईस खान साहब बादशाह आदमी थे, हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान आ गए, लेकिन हिंदुस्तान में जो कुछ वजीराई उनको मिलती थी उस तरह से पहले तो कुछ पता ही हो ना रईस खान साहब के, पहले तो किसी को यही पता हो कि ये सितार, इस साज का नाम सितार है और इसकी ये गुण है और ये करता है।